Rahul Sharma, and today we'll work it out the topic of learning, the learning, the basic process, the process that being easy over one of the most important topic for all of us. Now, what is the real process of learning? How do we start learning? What's the basic aim to have a learning? Now, it's been something that come out in our mind that before doing the concept of learning, we must know the certain facts that come in our mind of an individual, that how he going to grab the certain learning facts in his mind. आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, आप कहते हैं कि लर्निंग में है क्या. लर्निंग के लिए किसी भी आदमी को सबसे पहले किसी चीज को लेके मोटिवेशन चाहिए, सच एज अ गाय, विल टेक गाय, ठीक है, नेम राहुल, डेफिनेटली आपने कहा सबसे पहले उसके लिए मोटिवेशन चाहिए. यू नीड टू हैव मोटिवेशन टू लर्न समथिंग, या ही मस्ट हैव अ अर्ज टू गेट मोटिवेटेड टू लर्न समथिंग. आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट स्टेप दैट वाज बीइंग रिक्वायर्ड इज अ मोटिवेशन. नाउ दैट एम स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन. इसको आप क्लियर करेंगे, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, the very first step of learning is the motivation, and why we get to know that we have been motivated towards something, to learn something, we have lots of responses definitely. कि क्या हो सकता है, क्या पॉइंट्स और क्या पॉइंट्स होंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा. For that, you have to take it in your mind that the very first step of learning is to get motivated. कि मुझे ये करना यार, I have to clear that. मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसके लिए मोटिवेट होना बहुत जरूरी है. जब आप मोटिवेट हो किसी को लेके, तो आपके लिए सेकंड स्टेप होगा वेरियस रिस्पॉन्सेस. हाँ, आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आएंगे जो आपके लिए पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव. नो सॉरी, देयर इज नो नेगेटिव, ना इट बी पॉजिटिव, क्योंकि रिस्पॉन्सेस को डील करोगे आप. मे बी द पॉन्स, मे बी द कॉन्स, कुछ भी हो सकता है. आपको हर चीज को देखना पड़ेगा, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स क्रिएट एन ऑब्स्टेकल फॉर यू. कि यार करना भी है नहीं करना, इतना टाइम वेस्टिंग हो, दैट ना नी नॉट टू, दैट्स एन ऑब्स्टेकल. नाउ फर्स्ट थिंग, आपने कहा सर लर्निंग के लिए पहला कॉन्सेप्ट आ गया आपका कि आप मोटिवेट हुए, डेफिनेटली. द सेकंड स्टेप इज टू गेट वेरियस रिस्पॉन्सेस, या दैट इज, एंड देन टर्न आउट टू द थर्ड वन, द वेरी थर्ड, द इजीएस्ट वन, द बैरियर्स. बैरियर्स को इजीएस्ट वन क्यों बोला गया, क्योंकि बिना बैरियर्स के आप कोई भी काम नहीं कर सकते. यू आर नॉट एबल टू क्लियर समथिंग विदाउट गेटिंग द ऑब्स्टेकल्स क्लियर. ऑब्स्टेकल्स क्लियर करने आया हूं, तो ऑब्स्टेकल आर बी नोन एज बैरियर्स. वो बैरियर्स का काम कर रहे हैं. लर्निंग का फर्स्ट स्टेप मोटिवेशन, सेकंड स्टेप आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, एंड देन यू कम टू ऑब्स्टेकल्स, देयर आर बैरियर्स. नाउ यू हैव टू क्रॉस दैट बैरियर्स. जब इन बैरियर्स को क्रॉस करते हैं, सच एज द ट्रायल एंड एरर मेथड, ये भी ट्राई किया, चाहे इसने ये वाला ट्राई करते हैं, अच्छा नहीं ये वाला ट्राई करते हैं, नेवर विल गेट समथिंग. विल गो टू द करेक्ट रिस्पॉन्सेस, एग्जैक्टली दैट सी आर स्टैंड्स फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स. आपने कहा सर व्हाट डज मीन द करेक्ट रिस्पॉन्स, दिस इज समथिंग वी नीड टू वर्क इट आउट. करेक्ट रिस्पॉन्सेस, एग्जैक्टली द करेक्ट रिस्पॉन्सेस जिन पे काम करना है आपको. यू आर एबल टू गेट दैट रिस्पॉन्स इन योर माइंड कि यार ये करने से ये होता है. ट्रायल एंड मेथड, अगर आपको याद हो ट्रायल एंड मेथड हम वर्कआउट करते थे, जिसमें हम कई चीज ऑप्ट करते थे, जिनमें से बेस्ट होते थे हम उसको क्लियर कर लेते, एंड देन आफ्टर दिस विल रीइंफोर्स. Reinforce, what does mean reinforce and how we know it? We have a belief, it's establishing a belief कि यार ये कहने से ऐसा होता है. If I'm going to learn this, are you able to get that point in my mind and are we able to grab? That is something very important. So the process of learning goes with a psychiatrist, this is a psychology term, the learning. आपने कहा सर ये थ्योरी है, रेफरेंस इज अ थ्योरी, थ्योरी जिसको हम बोलते हैं लर्निंग थ्योरी, जिस थ्योरी पे आप काम कर रहे हैं, तो आपका पहला स्टेप आपने फर्स्ट टू सेकंड वर्कआउट किया. जैसे आप ऑब्स्टेकल क्रॉस करते हैं, तो आपके पास जो रिस्पॉन्स आता है, दैट्स द करेक्ट रिस्पॉन्स, एंड देन आफ्टर करेक्ट रिस्पॉन्स यू गो ऑन रीइंफोर्स. दैट रीइंफोर्समेंट वर्क आउट एस्टैब्लिशिंग अ बिलीफ दैट नाउ यू हैव अ बिलीफ दैट यू एबल टू डू दैट सर्टेन टास्क, एंड देन जंप टू ऑर्गेनाइज. अच्छा बेसिकली क्या हुआ, मैंने हर चीज कर ली स्टेप बाय स्टेप, नाउ आई नीड टू ऑर्गेनाइज माय सेल्फ. कि हाँ यार ये तरीका है, इसको ऐसे करना है, आई नीड टू प्रिपेयर द एंटायर टॉपिक लाइक दिस, सो आई नीड टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. And then go on to last one. This is your goal. ये आप चाहते थे, you want that thing to happen. That is the goal. Goal कैसे काम करते हैं, changes क्या आते हैं, किस तरह उसको roll करेंगे. तो एक छोटा brief लेते हैं. कोई भी काम करना है आपको, learning process. Now how are you going to work out the learning process? Now when somebody comes to you, the first thing that you need to keep in your mind is to have a motivation. One must have motivation in mind. जब आपके दिमाग motivation है, तो आपके पास बहुत सारे responses आएंगे. There are various responses that come in your mind. And then after that getting various responses, you have to face lots of obstacles. That means known as the barriers. Un barriers ko cross karne ke baad, aap ek correct response pe aate. Us correct response ko lene ke baad, you have to go through or believing on establishing certain norms.
That is the reinforcement. And after getting that reinforcement, that means having belief or establishing a belief of something, you need to go to organize everything. And finally, I must say, finally, after organizing everything, you have your goal, what you want to learn. If you like this video, do subscribe our channel. Share this video with the maximum people. This is for the people, those are doing maximum work. Really, to grab the learning theory. Exactly, the learning theory. It has been helpful for the B.Ed. students, definitely the B.Ed. students. Those are preparing for B.Ed. exam, it will be helpful. As this is one of the most